अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास टेन के चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेबल एलेवन पॉइंट वन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल से एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एम सी क्यू डिस्कस किया था आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी एंड मैगनीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कम्पाउंडस यहाँ पर कुछ एम हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला शॉर्ट जो इस पेज पर आपसे पूछा जा सकता है वो ये है डिफाइन कैटिनेशन तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से द अबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स इज कार्ड कैटिनेशन यहाँ तक एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है वो ये है राइट टू बेसिक कंडीशंस फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन इसका आंस नेक्स्ट पेज पर दिया गया है इस पेज पर कुछ एम भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टूडे द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर दैन टेन मिलियन द of ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग and लार्ज rings is कार्ड कैटिनेशन टू बेसिक कंडीशंस आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक करेंगे एक और शार्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बट कार्बन शोज कैटिनेशन वेयर एज सिलीकॉन डज नाट वाई तो यहां तक आपका क्वेश्चन बनेगा और इसका आंस भी आप यहां से लिखेंगे बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बट कार्बन शोज कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन डज नॉट इट इज मेनली ड्यू टू द रीजन डैट सी सी बॉन्ड्स आर मत स्ट्रोंगर यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो एस एम सी को पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सी सी बॉन्ड्स आर मत स्ट्रोंगर दैन एस आई एस आई बॉन्ड्स सिलीकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर मत स्ट्रोंगर दैन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स सिलीकॉन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सिलीका एंड सिलीकेट्स इन नेचर सेकेंड जो सब टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म की डेफिनेशन भी पेपर में एज अ शॉर्ट पूछी जा सकती है तो फिर इसका आंसर आप बताएंगे यहाँ से एन अदर रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से लेकर स्ट्रक्चरल फार्मूले तक यहाँ पर आइसोमरिज्म की एग्जाम्पल दी गई है एनपेंटेन आइसोपेंटेन नीओपेंटेन यहाँ पर कुछ एम सी क्यू भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द कंपाउंड आर सेट टू बी आइसोमर इफ दे हैव द सेम मलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला मलिक्यूलर फार्मूला सी फाइव एज ट्वेल्व कैन भी रिप्रेजेंटेड बाई थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम और लास्ट वाला पॉइंट है मल्टीपल बॉन्डिंग ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आएगा तो आप कैटिनेशन भी बताएंगे आइसोमेरिज्म भी और ये दोनों टॉपिक्स भी आप डिस्कस करेंगे इस पेज पर कुछ एम भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ आइसोमर्स With the increase in the number of carbon atoms in the given molecular formula. Due to its very small size, carbon can form very strong covalent bonds with other carbon atoms, hydrogen, oxygen, nitrogen, and halogens. In order to satisfy its tetravalency, carbon can make multiple bonds. टू कार्बन इन इथेन आर लिंक बाय सिंगल कोवलैंड बॉन्ड डबल कोवलैन बॉन्ड इन इथाइलिन एंड ट्रिपल कोवलैन बॉन्ड इन एसिटाइलिन नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पेपर में एज अ लॉन्ग पूछा जा सकता है और उसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं ये पेपर में एज अ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह से पूछा जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है फॉलोइंग जनरल करेक्टरिस्टिक्स नंबर वन ओरिजन नंबर टू कंपोजिशन नंबर थ्री कोवलैंड लिंकेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑप्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स कंपोजिशन में आप बताएंगे कार्बन इज एन असेंशियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कम्पाउंड दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एस कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन सल्फर ई टी सी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेडअप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल। कोवलेंट लिंकेज में आप बताएंगे ऑर्गेनिक कम्पाउंड कंटेन कोवलेंड बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी Inorganic compounds mostly contain ionic bonds. Next property is solubility. Organic compounds have non-polar linkages are generally soluble in organic solvents. Inorganic compounds with ionic bonds are soluble in polar solvents. Next characteristic is electrical conductivity. Organic compounds are poor conductor of electricity. इन ऑर्गेनिक कम्पाउंडस आइनिक नेचर होते हैं और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं और ये वोलाटाइली नेचर हैं लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देर आर लेस स्टेबल दैन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्बस्टिबिलिटी ऑर्गेनिक विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कम्बस्टिबल ऑन द अदर हैंड इन ऑर्गेनिक आर मोस्टली नॉन कम्बस्टिबल ने प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं फिनोमिना लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म रेयर होते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलन लिंकेजेस द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचर, दे आर ऑफन स्लो एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर और कैटालिस्ट ये करेक्ट्रिस्टिक्स आपको एज एम भी पूछी जा सकती हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल से डिस्कस किया खुदा हाफिज